प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम टेंस की फॉर्म याद करने के नियम सीखेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने कुछ नियम सीखे थे जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। देखिए, हमने कहा था अराइज इस प्रकार से लिखा जाता है और इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमें आई को ओ लिखना पड़ता था, जिस कारण इसकी सेकंड फॉर्म बन जाती थी। थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ये वाला लिखना पड़ता था और लास्ट में एन लगा देते थे, जिस कारण थर्ड फॉर्म बन जाती थी। तो इस प्रकार के वर्डों की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप बना सकते हैं। अब हम और वर्ब पढ़ेंगे जिनकी हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है स्पीक, स्टील, ब्रेक। इनकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं ताकि आपको आसानी हो। देखिए, स्पीक का अर्थ होता है बोलना। यहाँ पर हमें स्पीक की सेकंड फॉर्म बनानी है। सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ई ए वोवल है, ये वोवल हैं, इनको हमें ओ लिखना होगा। देखिए, पहला हम एस लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे और ई ए को ओ में चेंज कर देंगे। लास्ट में के लिखेंगे और एक ई लगाया जाता है। ये सेकंड फॉर्म है। और स्पीक की थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं, स्पीक की थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं? देखिए, सर्वप्रथम हमने स्पीक से सेकंड फॉर्म बनाई, अब इससे हमें थर्ड फॉर्म बनानी है। देखिए, पहला हम एस लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर के लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे और लास्ट में एन लगाया जाता है। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो ये हमारी थर्ड फॉर्म हुई। ठीक उसी प्रकार ये भी वैसे ही चलेंगे। देखिए, स्टील का अर्थ होता है चुराना, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। अब हम सेकंड फॉर्म कैसे बनाएंगे, ठीक उसी प्रकार एस लिखेंगे, टी लिखेंगे, ई ए को ओ में बदल लेंगे, बचा एल और एक ई लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखिए, एस टी ओ एल ई, पूरा यही लिखना है जैसा हमने ऊपर लिखा, पूरा यही लिखा और लास्ट में एन लगा दिया। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी एन लगा देना है। स्टील, स्टोल, स्टोलन, ठीक उसी प्रकार। इसको देखिए, ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, ई ए को ओ में चेंज कर लेंगे। देखिए, बी आर ओ के ई, ये हुई सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें पूरा का पूरा यही लिखना है, बी आर ओ के ई, लास्ट में एन लगा देना है। देखिए, फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अब आपको समझ आ चुका होगा। अब हम इसके नोट्स से पढ़ेंगे। देखिए, आपके सामने नोट्स इस प्रकार से हैं। देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में ओ लगाया गया, थर्ड फॉर्म
पूरी सेकंड फॉर्म लिखा जाता है और लास्ट में एल लगाया जाता है। इसमें भी वैसा ही हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।